हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है और यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक खड़ेश्वरी नामक बाबा भी रहते थे, उनका इतिहास आपको पूरा बताएंगे। चलिए उनका मंदिर भी आप लोगों को दिखाते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको हर्षित भाई बता दें। तो गाइस, आपको यहाँ आने के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आना पड़ेगा। यह पन्ना से 60 या 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मोहंदरा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। मोहंदरा क्षेत्र से यह 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह स्थान अम्हा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, यहां आप लोग आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, यह मंदिर का प्रवेश द्वार और इस मंदिर के प्रवेश द्वार के जस्ट सामने ये बरगद का पेड़, ये देखिए गाइस, आपको दिखाते हैं, आइए पास से। ये देखिए, बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। लगभग यह पेड़ बताया जाता है कि 200 वर्ष पुराना है। तो गाइज, ये देखिए, बहुत ही विशाल पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए गाइज, आप मंदिर का प्रवेश द्वार है और वो है महाकाल का मंदिर यहाँ पर, और यहीं पर खड़ेश्वरी महाराज जी तपस्या करते थे, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए गाइज, आइए चलते इस मंदिर के अंदर। तो गाइज, ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर के अंदर और ये देखिए, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये महाकाल का बहुत ही विशाल और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहीं पे खड़ेश्वरी महाराज जी भी तपस्या करते थे। तो आइए पंडित जी से जानते हैं खड़ेश्वरी महाराज जी के बारे में। तो आइए पंडित जी से जानकारी लेते हैं खड़ेश्वरी जी महाराज जी के बारे में। तो पंडित जी आप लोगों को बताएंगे। ये आम गाँव के रहने वाले थे, 13 साल की उम्र में खड़े हो गए थे, तपस्वी धारण कर लिया था। फिर वो एक अपने टूंगा वाले महंती जी के साथ में वो बचपन से ही यहाँ पे आ गए थे। तो उन्हें 1 साल यहाँ पे रुके, फिर 1 साल 14 साल की उम्र में वो खड़ेश्वरी बन गए थे। उन्हें नाम दीक्षा भी ले लिया था उनका, टूंगा वाले महंती जी का। फिर तब से ना भी पढ़े लिखे थे ना कुछ थे, लेकिन भागवत गीता सब कुछ उनको कंठस्थ था। उनकी भाग यानी कि रामधुन भी लिखी हाथों से और हर सोमवार यहाँ पे होती है। उनके 10-25 गांव के लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। आज सोमवार है, आज जुड़ेंगे सब लोग। अच्छा, हाँ। और मतलब 14 साल की उम्र से ही इन्हें सब कुछ त्याग दिया था, घर परिवार सब, हाँ, सब त्याग दिया और यहीं पे तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे थे और साक्षात वे यानी कि शंकर जी से बातें भी करते थे। ये माता जी का मंदिर है, 346 वर्ष का है। मतलब शंकर जी का मंदिर यहाँ पे और सामने पार्वती जी का मंदिर। तो गाइस, आइए आप लोगों को दिखाती है महाकाल का मंदिर और वहीं पे खड़ेश्वरी महाराज जी की तस्वीर भी है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये देखिए, खड़ेश्वरी महाराज जी का यहाँ पर निवास था। तो आइए आप लोगों को अंदर करके दिखा देते हैं। तो गाइस, ये देखिए, आपको खड़ेश्वरी महाराज की ये तस्वीर सामने दिख रही होगी। ये देखिए उनकी तस्वीर है और इन्होंने लगभग यहाँ पर 41 साल तक खड़े होकर तपस्या की है। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ये अम्हा के नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर महाकाल का ये मंदिर, यहाँ का अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये देखिए, बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है गाइस। ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप लोगों को मूर्ति में दिख ही रहा होगा कितना प्राचीन है। तो गाइस, वहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पंडित जी से पूछ लेते हैं कि क्या है वहाँ पर। वो विश्वनाथ जी के मंदिर है। अच्छा, सामने
विश्वनाथ जी का मंदिर है वो। हाँ, घंटा घर बोलते उसको, इसको हो गया 80 साल। 80 साल पुराना है। अच्छा, ये मंदिर तो गाइस, ये मंदिर 80 साल पुराना है और हम लोग आपको यहाँ जाके भी बताएंगे। और सामने वो तालाब है तो उस तालाब को भी दिखा देते हैं आप लोगों को, बहुत ही विशाल तालाब है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, वही तालाब है जहाँ खड़ेश्वरी महाराज जी स्नान करने के लिए आते थे। गाइस ये देखिए, यहाँ से जाना पड़ता है, तो आइए आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। गाइस बहुत ही विशाल तालाब है यहाँ पर, देखिए यहाँ का व्यू भाई, दिखाओ यहाँ का व्यू। गाइस ये देखिए, बहुत ही विशाल तालाब है यहाँ पर। और बताया जाता है कि यह तालाब लगभग 200 से 300 वर्ष पुराना है। ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है बीचों बीच। और ये देखिए पूरा नजारा कितना मस्त, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर है। गाइस ये देखिए, आपको पीछे दिख रहा होगा घंटा घर, अभी हम लोग वहीं चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो आइए गाइस वहीं चल के दिखाते हैं, ये पूरे जंगल का माहौल, जंगल का व्यू। ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ जंगल और बीचों बीच ये तालाब, आप लोग देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए गाइस, बहुत ही ऊंचाई पर है और यहाँ से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं, कितना खतरनाक लगता है। तो गाइस आइए चलिए चलते हैं, ऊपर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं टॉप पर और ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। तो गाइस आप लोग यहाँ का व्यू देखिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घंटाघर, ये देखिए आप लोग पीछे, ये घंटाघर। और अभी हम इस पे चढ़ के दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ से पूरा व्यू, काफी खतरनाक व्यू है गाइस चारों तरफ का। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पर, अब ये घंटाघर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे महाकाल का एक मंदिर था जो कि अब प्रेजेंट में आप लोग देख सकते हैं, इसकी हालत कुछ इस तरह हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो को कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।